हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हो चुका है 14 मार्च गुरुवार और आज की बड़ी खबर है टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के तहत लेकर आ गए हैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स और मुख्य समाचार जो कि आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं पूरे देश के लिए। कुछ खास है इस वीडियो में क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है हर एक बेरोजगार की योजना, हर एक किसान की योजना और हर एक आम आदमी की योजना और साथ ही मोदी की घोषणा और कांग्रेस जैसे राहुल गांधी की नई योजनाएं चुनाव के बाद कौन कौन सी देखने को मिलेगी, नई घोषणा पत्र, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिख रहे लाल बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा और जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा एक बेल आइकन जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, उसे जरूर से दबाइएगा ताकि आपको हर रोज की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा क्योंकि हमारी मेहनत आपका लाइक पर डिपेंडेंट होती है। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये खबरें पहुंच जाए। और तो समय हो चुका है इस वीडियो को स्टार्ट करने का, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, अपनी खबरें स्टार्ट करने से पहले आज हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर आ गई। एक जवान शहीद हो गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमलों के दौरान यह जवान शहीद हुआ। दोस्तों, 25 साल के इस शख्स को आतंकियों ने उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। आसिक नाम का यह शख्स दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के पिंगलेना गाँव का रहने वाला था। पुलिस से जवान का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिए, बाद में शव को उसके घर वालों के हवाले किया जाएगा। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, ये बहुत ही बड़ी दुखद खबर हो हमें बता दे हुए बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे देश का एक जवान शहीद हो गया। तो दोस्तों, ये कोई बड़ी खबर, कोई खुशखबरी नहीं थी, ये दुखद खबर थी। इसलिए दोस्तों, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा ऐसे जवानों के लिए जो अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार है। आज हम घरों में सो रहे हैं, आज हम घरों में बैठे हैं, तो उन शहीदों की वजह से, उन जवानों की वजह से जिन्होंने अपनी जान गवा दी हमारे पीछे, हमें सुरक्षित रखने के लिए। ऐसे जवानों को हमारी ओर से सलाम। आपको भी अगर कुछ अपने आपके जो फीलिंग्स है वो बतानी है तो आपको कमेंट में जय हिंद और सलामी दे देनी है ऐसे ही जवानों को जो शहीद हो जाते हैं देश के लिए। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर और बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। क्या निकल के आ रही है बताएंगे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को मदद देने के लिए एक योजना चलाई थी जिसका नाम था किसान सम्मान निधि योजना। उसके करीबन किसानों को मिल गया है रुपए, लेकिन अभी तक ज्यादातर किसानों को रुपए नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मिले हैं तो आपको बता दें 1.5 लाख से अधिक किसानों को 3 माह मिलेगी बाद मिलेगी ये निधि की योजना की जो किस्त है वो 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट में किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए देने की घोषणा की थी। ये राशि 3 महीने बाद ही मिल सकेगी। रविवार को लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है, ऐसे में योजना पर फिलहाल विराम लग गए हैं। इसके दायरे में जिले भर के 1.5 करोड़ से अधिक किसान जो आते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2 हेक्टेयर तक के किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए देने की घोषणा की थी। दोस्तों, आपको बता दें, अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, ये है किसानों के लिए हाल फिलहाल ये अच्छी खबर नहीं कह सकते हैं, बुरी खबर है क्योंकि आपको 1.5 महीने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद आपके खातों में रुपए आना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार की ये खबर आ रही थी किसानों के लिए बड़ी, जो कि पहली खबर के रूप में आई है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं सीधे अपने दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है उन कारोबारियों के लिए खुशखबरी जो कि जीएसटी रिटर्न्स भरते हैं। तो देश के कारोबारी एवं जीएसटी नेटवर्क पर अपने टैक्स देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम का मिलान कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी की तकनीकी जिम्मेदारी संभाल रहे जीएसटीएन ने टैक्स पेयर्स को GST R1 GST R3B में घोषित टैक्स देनदारी का रिपोर्ट को देखने और उसे डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की है।
GSTR 1 अगले महीने की 11 तारीख तक और GSTR 3 भी अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल किया जा सकता है। दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिलान कर सकते हो, ये बड़ी खबर आपके लिए निकल के आ रही है आज की, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी बात पर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे एक प्रश्न है कि आपको क्या लगता है इस बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ए नरेंद्र मोदी या बी राहुल गांधी या सी अन्य। अन्य में आप किसी का भी नाम लिख तो लिख सकते हो, जैसे कि मायावती हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या अन्य किसी भी पार्टी का नेता आप जरूर लिख सकते हो। और साथ ही दोस्तों आपको इस बार मतदान जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों आपका एक मतदान, आपका एक वोट एक देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, और आपका एक वोट आपके देश को यानी भारत देश को डेवलप्ड कंट्रीज की देशों की जंग में ला सकता है, विकसित देशों की जंग में ला सकता है। ये होती है दोस्तों आपके एक वोट की कीमत, और आपका अपना वोट जरूर डालिएगा, और आप चाहे नोटा बटन को दबा दे, आपको वोट जरूर डालना है। ये बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों आपके लिए, ये GST नेटवर्क वालों GST वालों के लिए तो अच्छी खबर थी, ये मैंने आपको बता दी। और वोट जरूर कीजिएगा, अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका जवाब देते जाइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी और बड़ी खबर की ओर, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है देश के लिए, बहुत अच्छी खुशखबरी है पूरे देश के लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर देश के लिए अच्छी खबर आ रही है, देश की सुरक्षा के लिए अच्छी खबर आ रही है। पाक चीन से निपटने के लिए भारत की नई रणनीति, अब दुश्मन नहीं घोष पाएंगे फाइटर प्लेन। नई दिल्ली से दोस्तों ये खबर आ रही है, दुश्मन के मिसाइल और बमबारी से एयरबेस को बचाने के लिए सरकार ने नई रणनीति बनाई है। सरकार ने वायुसेना को चीन और पाकिस्तान सीमा के नजदीक लगभग 110 ठिकाने बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी NI को बताया कि केंद्र सरकार ने लगभग 110 ठिकानों के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है, जो फाइटर प्लेन को दुश्मन की मिसाइल और बॉम्बिंग से बचाएगी, जिसे ब्लास्ट वैन भी कहते हैं। तो ये दोस्तों बड़ी खबर आपके लिए अपडेट थी, जो कि यहाँ पर हर किसी भारतीय को जानने जरूरी थी, क्योंकि अब हम हैं सुरक्षित, और यहाँ पर अब पाक और जो चीन है उनकी रणनीति से बचा रखेगा भारत को, इसलिए ये अच्छी खबर थी, इसलिए आपको तीसरी बड़ी खबर अच्छी खबर हमने इसीलिए आपको बताइए। अब सीधे चलते हैं अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर, जो कि निकल के आ रही है और अच्छी खबर देश के लिए, देश के आतंकवाद के खिलाफ एक अच्छी खबर है, तो बताएंगे आपको चौथी न्यूज में, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है एक आतंकवादी को लेकर, और दोस्तों पता है आपको मसूद अजहर जो कि अभी पाकिस्तान में है, और जो कि मास्टरमाइंड था हमारे पुलवामा हमले में, जो जवान शहीद हो गए थे उनके पीछे का, तो इसी को लेकर यहाँ पर अमेरिका में आज यहाँ पर बैठक हुई, जिसके अंतर्गत आपको बता दें इसमें अमेरिका ने भी कह दिया है कि मसूद अजहर वैश्विक आतंकी है, यानी वर्ल्ड का आतंकी है, पूरे वर्ल्ड में इसका आतंक है और हर देश को इससे लगभग जो नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों अब हमारे साथ आ चुके हैं जापान और भी बड़े बड़े कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बड़े बड़ी जो है वो। तो अब बता दें आपको पूरी न्यूज, अमेरिका ने कहा चीन के साथ आपसी हित, लेकिन मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रयासों की नाकामी से लक्ष्य अब भी दूर। भारत ने 2009 में पहली बार UN में मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया था, चीन ने वीटो किया। वॉशिंगटन से दोस्तों ये खबर आ रही है, तो अमेरिका में जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश लगभग विभाग के उपप्रवक्ता रॉबर्ट ब्लाडिनो ने बुधवार को कहा कि मसूद अजहर ही जैश का संस्थापक है और वह वैश्विक आतंकी घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र UN के दायरे में आता है। UN जैश को आतंकी गुट मानता है। भारत ने 2009 में पहली बार UN में मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन चीन के वीटो के चलते ऐसा नहीं हो पाया। तो दोस्तों आपको बता दें उपप्रवक्ता जो थे रॉबर्ट पलाडिनो, उन्होंने कह दिया है कि यहां पर जो वैश्विक आतंकी माना जाए
जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को। यह बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, क्योंकि अगर वैश्विक आतंकी माना गया तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों आपको भी पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम बता दें कि वैश्विक आतंकी के पीछे हर कोई देश बढ़ा देता है और कभी भी किसी भी वक्त उसका हाल बुरा किया जा सकता है। जिस प्रकार से पहले किया गया था पाकिस्तान में घुसकर मारा था अमेरिका ने आतंकवादी को, उसी प्रकार इसको भी मारा जा सकता है। इसलिए भारत ने यह कहा है कि इसको वैश्विक आतंकी का जो होता है उसको वैश्विक आतंकी के तौर पर देखा जाए और इसको मार गिराया जाए, ताकि हमारे वर्ल्ड में पूरे देश में, ना कि सिर्फ भारत, पूरे देश में ऐसे आतंकवादी को खत्म किया जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी खबर पूरे देश के लिए। बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर, जो कि कान की खबर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान से देखिएगा। बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है आपके शहर में, आपके गांव में कोई नेता है जो कि गलत काम कर रहा है, आचार संहिता के अंदर ही कुछ अलग काम कर रहा है और पोस्टर वगैरह लगा रहा है, रैलियां वगैरह कर रहा है, तो ऐसा अगर आपको कुछ भी लगता हो कि यह आचार संहिता के खिलाफ है, तो आप चुनाव आयोग के इस ऐप पर का कर सकते हो शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। दोस्तों चुनाव आयोग ने रविवार शाम को 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा की। इसके बाद देश की सभी राजनीतिक पार्टियां 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 11 अप्रैल शुरू होने वाले हैं चुनाव में बाजी मारकर सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को एंड्रॉइड बेस एप्लीकेशन सीविजिल ऐप को लॉन्च किया, ताकि लोकसभा चुनाव 2019 में कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन न कर सके। तो आइए दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दे CVGL ऐप के फायदे, बता दे कि CVGL ऐप GPS फीचर है, यानी कि अगर आप कहीं भी बैठे हो तो आपको पता चल जाएगा सरकार को कि ये अभी आदमी, आम आदमी वहां पर बैठा है और जो जहां पर आप बैठे हो चुनाव आयोग को पता चल जाएगा। ऐसे में अगर कोई भी शख्स आचार संहिता का उल्लंघन करता दिखता है और आप चाहते हैं कि इनकी जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए, तो CVGL ऐप की मदद से आप चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दे सकते हो। इसके बाद GPS फीचर की मदद से इसी शिकायतकर्ता की जगह की पहचान करेगा और 100 मिनट के भीतर उस पर कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि आप किसी को नहीं बताया जाएगा कि यह जानकारी उस आदमी दी है, उस औरत ने दी है, उस महिला ने दी है, उस बच्चे ने दी है, जो भी आप चाहे आप कोई भी कर सकते हो। आपका किसी को नाम भी नहीं पता चलेगा और ना ही आपकी जगह पता चलेगी और कुछ भी पता नहीं चलेगा, और आपका टाइम भी नहीं पता चलेगा कि आपने किस टाइम की है इसके बारे में शिकायत। तो दोस्तों अब आ चुका है टाइम भर्ती की अपडेट जानने के लिए, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, जो कि भर्ती होती है नई भर्ती। चलिए आपको बताते हैं नई भर्तियां। तो दोस्तों अब बता दें आपको छठी बड़ी खबर, या कह सकते हैं खुशखबरी, जिसमें आपको बताएंगे जॉब। तो ओडिशा पहुंचा सरकार ने ग्रामीण डाक सर्विस सेवक यानी GDS पदों की बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इस भर्ती से जुड़ी जानकारी यहां पर आप देख सकते हो। जॉब लोकेशन ओडिशा रहने वाला है, पोस्ट नेम ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS, और पोस्ट के जो टोटल पोस्ट है वो 4352 पोस्ट रहने वाली है। पे इसके आपके 10,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। उसके साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पास मात्र, और एग्जाम का जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस होगी, चयन प्रक्रिया वो होगा रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी आवेदन कर सकता है, और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। और जनरल OBC के लिए आपको 100 रुपये आपको पे करने होंगे पे फीस के रूप में, और SC ST और PWD को 0 रुपये। इस प्रकार से न्यूज आ रही दोस्तों, अगर पूरी आपको चाहिए प्रक्रिया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम जल्दी लेकर आएंगे। और कमेंट में आप जवाब जरूर देते जाइएगा, इस बार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। अब बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर, जो कि निकल के आ रही है टेक्नोलॉजी अपडेट्स, कुछ टेक्नोलॉजी की खबरें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो भी आपको बताते हैं इस वीडियो में, ताकि आप भी फायदा उठा सके। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ रही है। तो दोस्तों अभी आ रही है आगे होली, और होली में क्या करते हैं लोग, कुछ नया चीज खरीदते हैं होली के दिन, ताकि शुभ माना जाए उनको। और दोस्तों होली के दिन ही यहाँ पर होली पर रियलमी का खास ऑफर आ चुका है, और आपको बता दें सिर्फ 1 रुपए में खरीद सकते हैं यह प्रोडक्ट। तो दोस्तों
होली आने वाली है, पर होली से जुड़े ऑफर अभी से आने लगे। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी ने होली ऑफर पेश किया है। हॉलीडे सेल में रियलमी के विभिन्न स्मार्टफोन पर डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल की शुरुआत 13 मार्च से हो गई है। इस सेल में रियलमी U1 और रियलमी 2 प्रो दोनों स्मार्टफोन पर 1000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 15 मार्च तक चलने वाले इस सेल में दोनों स्मार्टफोन के अलावा रियलमी बैकपैक सिर्फ 1 रुपए में मिल रहा है। दोस्तों बैकपैक मतलब बैग जो कवर होता है दोस्तों, वो मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। जल्दी से आप खरीद लीजिए अगर आपके पास है फोन रियलमी का। और साथ ही दोस्तों रियलमी के फोन पर आपको मिल रहा है 1000 यानी 1000 रुपए का डिस्काउंट। ये दोस्तों बड़ा डिस्काउंट है। आप रियलमी U1 फोन या रियलमी 2 प्रो फोन खरीद सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर बड़ी अपडेट रियलमी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप खरीदिएगा ये फोन। अब दोस्तों अगली न्यूज की बात कर रहे हैं तो आप बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट न्यूज और 8th और फाइनल न्यूज हम बताने जा रहे हैं आपको अच्छी खुशखबरी। दोस्तों अगर आपको कोई कहे कि 7000 रुपए सस्ता मिल रहा है ये फोन, तो क्या आप खरीदेंगे? बिल्कुल आप खरीदेंगे। तो आज भी बड़ी खबर इसी को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें 7000 रुपए सस्ता मिल रहा है ये ड्यूअल कैमरा वाला स्मार्टफोन बचे हैं 2 दिन। ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने 11 मार्च से ऑनर डेज सेल की शुरुआत की है, जो 15 मार्च तक चलेगी। इस 4 दिन तक चलने वाले सेल का तीसरा दिन है। सेल में ऐसे में से इस सेल के तहत अगर आप ऑनर प्ले स्मार्टफोन खरीदते हैं तो इसके ऊपर आपको 7000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों आइए आपको बता दें कि कंपनी ने लॉन्चिंग के दौरान इस स्मार्टफोन की कीमत रखी थी 21,999 रुपये, लेकिन अगर आप इसे ऑनर डे सेल में खरीदते हैं तो आपको मात्र यहां पर पे करने पड़ते हैं 14,999 यानी टोटल 7000 रुपये की डिस्काउंट। बहुत ही अच्छी दोस्तों अपडेट है आपके लिए। ऑनर एक अच्छा ब्रांड है दोस्तों, आप चाहे तो खरीद सकते हैं इसे। तो हम नहीं कहेंगे कि खरीदे, आपको अगर अच्छा लगता है तो खरीदे, क्योंकि यहाँ पर रियलमी U1 और ऑनर दोनों का चल रहा है ऑफर। आपको जो सस्ता और अच्छा टिकाऊ लगे वो खरीदिएगा। तो ये थी कुछ 8 बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको बता दी हैं। और ऐसे ही वीडियो हो जो आपको रोज लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको करना होगा सब्सक्राइब। बस कोई फ्री आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री है सब्सक्राइब, नीचे दिख रहे लाल बटन पर जल्दी से क्लिक कर देना है। और उसके साइड में ही आएगा एक बेल आइकन, उससे आपको जरूर से दबा देना है ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस और दिन भर की बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। और उसके साथ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा और मतदान जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।